गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ल्ड कनेक्शन का एक एसेंट्रिक कनेक्शन से रिलेटेड आपको डेरिवेशन सिखाएंगे और उससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी आते हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन है, जिसमें हम लोग अभी टाइप वन प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कि आपका इन प्लेन एसेंट्रिकसिटी है। क्या है इन प्लेन एसेंट्रिकसिटी है, इसका मतलब क्या होता है मैं यहां पे अभी बताता हूं। इन प्लेन एसेंट्रिकसिटी, ओके, इन प्लेन का मतलब क्या होता है मैं फिर से एक बार बताता हूं, आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। इन प्लेन का मतलब यह होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका लोड लगता है, इसको मैं मान लेता हूं। देखिए क्या है, दिस इज द आई सेक्शन, आई एस एच बी, ये कॉलम होता है जो इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट कनेक्शन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट कनेक्शन बोल पा रहे हैं, ब्रैकेट कनेक्शन, इसको ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि ब्रैकेट जैसा ये कनेक्शन रहता है। अब ये आई एस एच बी, एच बी का मतलब होता है हाई सेक्शन, जो कि कॉलम के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। जनरली लोग यहाँ पर हम बात करें, एक 3D डायग्राम है जो कि 3 डायमेंशनल है, आप कहीं से भी देख सकते हो आसानी से। ये आई सेक्शन है, ये एक ब्रैकेट कनेक्शन है, लोड यहाँ पे लगाया गया है, फिर इस वेल्ड पे कितना रेजिस्टेंस आता है, किस प्रकार की स्ट्रेसेस आते हैं, टॉर्सनल आएंगी, बेंडिंग आएंगी, क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। अब ये इन प्लेन है कि आउट ऑफ प्लेन है उसको भी बता देते हैं। देखिए ये जो कनेक्शन है आपका, ये वेल्ड कनेक्शन, अगर हम यहाँ पे वेल्ड कर दें तो इसका सीजी यहाँ से लाई करेगा, लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पे वेल्ड किया है, यहाँ पे वेल्ड किया है, यहाँ पे वेल्ड किया है, तो इसका सीजी यहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे, इस वाले पोर्शन में, बिकॉज मोर एरिया कहाँ है, इसके क्लोजर है। जब मोर एरिया इसके क्लोजर होगा तो दिस इज द सीजी, दिस इज द वाई वाई एक्सेस, दिस इज द वाई वाई एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस, ओके। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ये आपका किस तरीके का व्यू, 3D व्यू है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका साइड व्यू के बारे में भी बात करेंगे। टाइप वन इन प्लेन एसेंट्रिकसिटी करेक्टरिस्टिक इज ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब ये ट्विस्टिंग मूवमेंट कैसे आता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ओके। और फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड एंड टॉर्सनल मूवमेंट, यहाँ पे टॉर्सनल मूवमेंट आता है और आपका डायरेक्ट लोड आता है। अब डायरेक्ट लोड जो पी लगा हुआ है, इसको अगर मुझे ट्रांसफर करना हो तो आप पी को हम मान लेते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से लगा है कि आपको देखोगे कि दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, आपको पता चलेगा कि इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस पॉइंट पे काम करेगा। इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखोगे कि इसके इस एंड पे ये लोड आपका पी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्ट लोड पी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड पी, और इसकी जो एसेंट्रिकसिटी होगी, दिस इज द एसेंट्रिकसिटी, जो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का लाई करते हैं, ओके। क्योंकि दो सीजी होता है, जो भी वेल्ड हो, बोल्ट हो, रिविट हो, उसका सीजी जो भी होता है, वहाँ से जो लोड ऑफ एक्शन करता है, जहाँ पे लोड काम करता है, वो जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिकसिटी। तो एसेंट्रिकसिटी की वजह से यहाँ पे टॉर्सनल मूवमेंट आएगा, टॉर्सन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इन प्लेन एसेंट्रिकसिटी है। इन प्लेन क्या होता है फिर से अभी बताता हूँ, पहले मैं इसको लिखता हूँ, टॉर्सन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम कर गई, एक तो डायरेक्ट फोर्स आ रहा है, एक तो आ गया टॉर्सनल मूवमेंट। मतलब इस वेल्ड कनेक्शन पे आप देखोगे कि टॉर्क इस पर एक तरीके का आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम अलग से समझते हैं। एक चीज़ आपको पहले बता दें कि इन प्लेन का मतलब क्या होता है। इन प्लेन का मतलब यहाँ पे इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका लोड काम करे, जिस डायरेक्शन में आपका लोड काम करे और उसी डायरेक्शन में आपका वेल्ड हो, उसी प्लेन में आपका वेल्ड हो, दैट इज कॉल्ड इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। जैसे समझते हैं, देखिए मेरा लोड का जो प्लेन है वो फ्रेंड्स ये प्लेन है। कौन सा है प्लेन, ये वाला प्लेन। क्या है इन प्लेन में, अगर आप देखोगे जो लोड का प्लेन है वो बोर्ड के अलोंग है। किसके अलोंग है, बोर्ड, जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसके क्या है, अलोंग है, ओके। और जो यहां पे आपने वेल्ड कर रखा है इस तरीके से, ये भी क्या है, उसका प्लेन भी क्या है, यही प्लेन है। तो अगर दोनों का प्लेन समान हो जाता है, सेम प्लेन में काम करना शुरू कर देते हैं, तो इस केस में हमारा आता है टॉर्सन। क्या आता है, टॉर्सन आता है। टॉर्सन कैसे आया होगा आप देख सकते हो,
इसका क्या है, देखो अभी समझते हैं। देखो ये मैं एक लाइन ऑफ एक्शन मान लेता हूँ, ये सी जी है। आप देखोगे कि जो ये वेल्ड है ना पूरा कनेक्शन, ब्रैकेट कनेक्शन है, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे करके क्लाक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेल्ड कनेक्शन है ना उसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आ जाते हैं। क्या आता है? टॉर्शन आता है, और जब टॉर्शन आएगा तो क्या आएगा? टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस आएंगे। तो इस तरीके से देखोगे टॉर्क ऐसे ही तो लगता है, किसी भी चीज़ में टॉर्क कैसे लगता है? ऐसे लगता है। बेंडिंग में क्या होता है? बेंड होती चीज़ें ऐसे बेंड होती हैं, ठीक। तो वो आउट ऑफ प्लेन में जब देखेंगे तो वहाँ पर बेंडिंग होगा, लेकिन यहाँ पर इन प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? टॉर्शन होगा। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इन प्लेन में टॉर्शन आता है कि आउट ऑफ प्लेन में बेंडिंग आता है, ये चीज कैसे क्लियर होगी? आपको डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगी, प्लस आप अपने थंब से भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने क्या किया, अपना जो लोड है, लोड के डायरेक्शन में मैंने क्या किया, अगर आप फिंगर्स कर दोगे, क्या कर दो? फिंगर। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? फिंगर्स कर दिया। और ये जो मेरा थंब है ना, थंब, थंब का डायरेक्शन अगर इसके सीजी से पास करेगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा। आप देखोगे टॉर्शन में हमेशा क्या होता है कि जब भी टॉर्क लगता है तो टॉर्क में थंब का डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस आता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जब लोड लगाओगे तो इसके अलॉन्ग आ जाएगा, तो अलॉन्ग आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे टॉर्शन होता है, बेंडिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि टॉर्शन के बारे में। सबसे पहले इसका मैं एक साइड व्यू बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दिस इज द साइड व्यू। साइड व्यू के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। साइड व्यू को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस क्रॉस सेक्शन को बनाऊंगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये आपका है, दिस इज द कनेक्शन पार्ट, ठीक है। दिस इज द कनेक्टेड पार्ट, ये है आपका, दिस इज द पार्ट इज जो आई सेक्शन है, इसको मैं बोल पाऊंगा क्या? दिस इज द आई एस एच बी। घबराना नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप दो तीन बार इसको अगर आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल्ड कर रखा है तो मैंने क्या किया, इसको वेल्ड बना दिया। दिस इज द वेल्ड, ये वेल्ड का पार्ट है जो आपको दिखाया जाता है। अक्सर लोग इसी को बनाते हैं, कभी 3D डायग्राम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैंने क्या किया, आपको 3D डायग्राम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ओके। दिस इज द कनेक्शन पार्ट, ये है ब्रैकेट कनेक्शन, इस तरीके से ब्रैकेट को बना दिया, ओके। कुछ यही चीज़ दिखाई जा रही है, ये पार्ट ये दिखाया गया, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया गया। चाहे आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, अंदर से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे था वैसे मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज द कनेक्टेड पार्ट, ओके। वेल्ड कहाँ किया गया है? इस पार्ट पे वेल्ड कर दिया गया है, तो मैंने वेल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वेल्डिंग हमने तीन साइड से कर रखी है। कई बार एसएससी जेई में क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे भी वेल्डिंग कर दिया है, वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान होने वाली है। तीन साइड वेल्डेड रहेगा तो प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल होती, कठिन होती, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो लोड है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे काम कर रहा है, दिस इज द लोड इज कॉल्ड पी, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द, अगर हम बात करें सी जी की, अगर बात करें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप देखोगे एक्स एक्सिस पे जो भी आएगा वो आपका एक्स एक्सिस ये वाला आएगा, और जो वाई एक्सिस होगी वो आपकी यहाँ से पास होगी। कहाँ से पास होगी? दिस इज द वाई एक्सिस, इसको मैं नाम दिया, दिस इज द वाई, दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिस इज द सी जी, अगर मैं बात करूँ दिस इज द सी जी, क्या है? सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका? जो भी वेल्ड किया उसका क्या है? ये सी जी है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं एसेंट्रिकसिटी की बात करूँ, दिस इज द एसेंट्रिकसिटी वेयर द सी जी ऑफ द वेल्ड कनेक्शन, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन। यहाँ से जो लोड काम करता है अलग दूसरे पॉइंट पे, अगर लोड यहीं से पास करता तो सिर्फ डायरेक्ट लोड आता, लेकिन लोड यहाँ से सी जी से पास नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास टॉर्शनल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि सोम का कॉन्सेप्ट होता है। सपोज दैट कि फ्रेंड्स इसको मैंने माना L1, दिस इज द L1, इसको मैंने माना L2, दिस इज द L2, कुछ भी मान सकते हो, अगर मानना है आपको दिस इज द L1, L2, इसको मैं L2 मानता हूँ, इसको L3 मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द L3, दिस इज द L2, ये वेल्ड की लेंथ्स हैं, इनका यूज होगा, ओके। अब फ्रेंड्स हमको जो समझना है वो ये है, सी जी को मैं यहाँ पे अभी रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने हैं, उसके बारे में यहाँ पे डील करूँ। ये है एक आपकी रेडियल डिस्टेंस जिसको मैं बोलूँगा, दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी, ओके।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप कि जो पॉइंट ए है यहाँ पे दो स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो आपकी डायरेक्ट फोर्स पी काम कर रहा है जो कि रिबिट के ऊपर डायरेक्ट शियर क्रिएट करेगा, डायरेक्ट शियर फोर्स की तरह काम करेगा, और आपके पास एक टॉर्सनल मोमेंट लग रहा है जिसकी वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज द एंगल थीटा और इसका सेंट्रोइड जो है मैं मान लेता हूँ कि एक्स बार है कहाँ से, यहाँ से। ठीक, अब आपको लेंथ तो पता रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में आपको ये लेंथ भी मेंशन करता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब फ्रेंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डायरेक्शन होता है सेम एज इसको मैं मानता हूँ दिस इज द एफ वन स्ट्रेस। क्या मानता हूँ? एफ वन स्ट्रेस, बिकॉज ये आपके जो भी आपने यहाँ पे लगा रखा है आपका फिलेट वेल्ड लगा रखा है, जब पी फोर्स लगाओगे कि तो उसकी वजह से जो एक डायरेक्ट फोर्स आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी, दैट इज एफ वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉर्सनल की तो दिस इज द टॉर्सनल, टॉर्सनल की अगर बात करें तो दिस इज द एफ टू। इसका डायरेक्शन वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सीजी एंड कंसिडरेशन पॉइंट। दिस द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सीजी, जो भी लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो सीजी से उसके ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहता है इन केस ऑफ टॉर्शन। दूसरी बात, जहाँ पे आप पॉइंट को कंसीडर करते हो सेम पॉइंट भी यहाँ पे भी होगा, ये भी आपका एक बहुत ही क्रिटिकल बोल्ट रिवेट का पॉइंट होगा जिसका एंगल मैं फिर से थीटा मान रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रेस सपोज दैट दिस द एफ वन, इसके परपेंडिकुलर आप देखोगे दिस इज द एफ टू या एफ थ्री मान सकते हो। ठीक है, और ये जो काम करेगा दिस इज द एफ वन, इसके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को अगर हम देखें तो यहाँ से डिनोट करेंगे रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, इसका मैं नोट करता हूँ एफ आर से, किससे? एफ आर से। अगर फ्रेंड्स ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो आप देख पाओगे दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप देखोगे कि दिस एंगल इज थीटा, बिकॉज ये टोटल एंगल रेड लाइन और ये ब्लैक एफ टू की लाइन, टोटल एंगल अगर थीटा है तो आप ऐड करके लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, अगर आप टोटल एंगल आपको लाना है क्या, दैट इज थीटा। अगर ये टोटल एंगल 90 है तो आप इसमें प्लस थीटा ऐड करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 तभी होगा जब ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो दो फोर्सेस, जो दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं एफ वन एंड एफ टू, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। कहाँ से प्रूफ किया, यहाँ से थीटा 90, 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ कितना, थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेम कहानी यहाँ पे भी रहेगी, इसके बीच में भी रिजल्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एफ आर, दिस इज द रिजल्टेंट, इसके बीच में भी एंगल क्या रहने वाला है, थीटा रहने वाला है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब खतरा ज़्यादा सबसे इनके पास रहेगा क्योंकि इनकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एंगल को समझाया, एसेंट्रिसिटी हमारी क्लियर हो गई। आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड और उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, और कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में अभी हम डिटेल में डील करने वाले हैं। तो पहला, दैट इज ड्यू टू आउट ऑफ प्लेन नहीं है यहाँ पे, इन प्लेन एसेंट्रिसिटी, इन प्लेन एसेंट्रिसिटी, इन प्लेन एसेंट्रिसिटी में क्या होता है, एक तो आएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड डायरेक्ट फोर्स और लोड, डायरेक्ट फोर्स और डायरेक्ट लोड की वजह से, दैट इज कॉल्ड पी, पी की वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी उसके बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज सपोज दैट दिस इज द एफ वन, डायरेक्शन ऑफ एफ वन डायरेक्शन ऑफ एफ वन, या कह सकते हो शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ एफ वन दैट इज शियर स्ट्रेस, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक और चीज नाम दे सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस,
दैट इज एफ वन इज सेम एज अप्लाइड लोड, अप्लाइड डायरेक्ट लोड, ठीक है, डायरेक्ट लोड जिस डायरेक्शन में आपका पी लगा उसी डायरेक्शन में आपका हमेशा ऐसे ही डायरेक्शन रहेगा। अगर सपोज दैट पी नीचे से लगा दिया तो इसका भी डायरेक्शन ऊपर पहुंच जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें दैट इज़, तो इसकी वजह से अगर हम इसका कैलकुलेशन भी चेक करें कि हमारी स्ट्रेस क्या आएगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी एरिया हमने लिया इसको पहली बात कैलकुलेशन के लिए एनालिसिस, अगर मैं हेडिंग दूँ यहाँ पे एनालिसिस, एनालिसिस सबसे पहले वेल्ड एरिया को, वेल्ड एरिया, वेल्ड एरिया एज्यूम एट, एज्यूम एज्यूम एज लाइन एरिया, इसको लाइन एरिया मान लेते हैं, लाइन एरिया, बिकॉज थिकनेस बहुत कम होती है, एमएम में होती है। जब आप जानते हो कि एक सेंटीमीटर इतना होता है तो भैया एमएम तो 8 mm 7 mm की थिकनेस देनी पड़ती है तो और कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, एज अ लाइन एरिया। लाइन एरिया मानोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द लाइन एरिया, दिस इज द लाइन एरिया, दिस इज द लाइन एरिया, ठीक है। तो दिस इज द एल वन, दिस इज द एल टू, दिस इज द एल थ्री, और जो वेल्ड आपने बनाया, ठीक है, दिस इज द वेल्ड आपने जो भी बनाया वेल्ड, दिस इज द सी जी, दिस इज द सी जी, इसकी थ्रोट थिकनेस मैंने टी ई माना, इसको भी टी ई माना, इसका भी थ्रोट थिकनेस क्या है, टी ई है। अब मुझे क्या चाहिए, लाइन एरिया मान लिया, अब मैं टोटल एरिया निकाल लेता हूँ, ए टोटल, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एल वन इंटू टी वन, एल वन इंटू टी वन प्लस L2 into TE plus L3 into T, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जबकि यहाँ पे L1 बराबर आपका L3 रहेगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे L1 बराबर L3 रहेगा तो आप इसको L3 की जगह पे L1 कर दोगे तो 2 टाइम L1 into TE हो जाएगा, दिस इज द TE। अब हमें चाहिए F1 हो जाएगा P अपान जो भी लोड होगा अपान वेल्ड एरिया, वेल्ड यहाँ पे टोटल एरिया को भी लिख सकता हूँ वेल्ड एरिया, वेल्ड एरिया इसको लिख सकता हूँ मैं, वेल्ड एरिया भी, टोटल एरिया और वेल्ड एरिया भी लिख सकता हूँ, वेल्ड एरिया। तो आप देखोगे P अपान, दिस इज TE कामन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। एग्जाम में आपको L1 और L3 हो सकता है सेम दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, दिस इज द F1, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझना है, कर ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया क्या, F1 पता चल गया, अब हमें चाहिए क्या, F2 पता करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी के बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं F2 के बारे में, डायग्राम ही रहने देते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत आएगी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डील करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विथ F2, उसके बारे में अगर हमें पता कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विथ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किससे, F2 से। अब बात करेंगे किससे, F2 के बारे में अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे किससे, F2 से बारे में डील करेंगे, फिर हम अपनी प्रॉब्लम को करेंगे। इसका क्वेश्चन आता है ES में भी आता है, गेट के लिए ES में आता है, गेट में तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ES है, सिविल सर्विसेज है, SSC JEE है, इन सब एग्जामों में क्वेश्चन के बारे में उसने पूछ रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फ्रेंड्स सबसे पहले अब मुझे चाहिए क्या, देट इज सेकेंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बिकॉज टॉर्सन देखो यहाँ पे क्या है कि जब टॉर्सन आएगा, जब टॉर्सन की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते थे डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेसेस आती थी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोल सकते हो, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और टॉर्सनल की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस कौन सी आएंगी, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ओके। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब फ्रेंड टॉर्सन का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, टी अपान दिस इज द टॉर्सनल को मैं F2 से डिनोट करता हूँ, F2 इज इक्वल टू, अगर मैं टॉर्सन का जनरल फार्मूला लिखूँ तो टी अपान दैट इज आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई आर।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे टाउ को मैं लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू टी अपान, अब देखिए टॉर्सन हो रहा था इसलिए इन प्लेन बेंडिंग में टॉर्सन है तो टॉर्सन के फार्मूला लगाओगे। अच्छा दूसरी बात इंटू टी इंटू आर, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है। जब ए पॉइंट है मैं इसको टाउ को सियर स्ट्रेस को मान रहा हूँ दैट इज एफ टू, तो एफ टू इज इक्वल टू टॉर्शन टॉर्शन अपान पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आर ए आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पॉइंट कंसिडरेशन का लगता है आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टॉर्सन को क्या लिख सकते हो, टॉर्सन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी आप लिख सकते हो, तो बहुत ही आसानी से हमको ये पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो एक लोड पी आएगा दिस इज द पी लोड, और उसकी वजह से टॉर्शन आएगा दिस इज द टी इजकल टू पी इंटू ई। तो आपके सी जी पे क्या क्या दो आ गए, एक डायरेक्ट फोर्स आ गया जिसके डायरेक्ट सियर स्ट्रेस से जाएंगे, और पी टू की सॉरी यहाँ पे टॉर्शन की वजह से आपको एफ टू मिलेगा जो कि आपकी टॉर्शनल सियर स्ट्रेसेस हो जाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाली चीज़ है वो हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई पी भी बोल पाओगे, आई पी को मैं लिख सकता हूँ आई जेड जेड, जो कि जेड डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर मैं बात कर सकता हूँ। आप देखोगे आई जेड जेड जो कि परपेंडिकुलर ऑफ एक्सेस होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हो इन केस ऑफ टॉर्शन। दूसरी बात ये लिख सकते हो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन आपका सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेल्डिंग यहाँ पे तीन साइड में की गई है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स के अबाउट अलग आएगा और आई वाई वाई के मतलब अलॉन्ग कुछ आपका और आएगा, इसी को थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ इसके, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका जो रहता है फ्रेंड्स, डायरेक्शन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सीजी ऑफ वेल्ड विथ द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि उसने जो पॉइंट लिया, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था उसको हमने क्या किया, चूज किया। क्या इसने बोला है कि जो F2 है, F2 का वो डायरेक्शन होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सी जी ऑफ वेल्ड टू द पॉइंट कंसिडरेशन, जिस पॉइंट को आपने चूज किया है, जिस पॉइंट पे आपने स्ट्रेसेस निकालनी है, वो हमेशा जो F2 की वैल्यू होगी, वो जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये कहना चाह रहा है, बस ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। F1 और F2 के बीच में एक एंगल है थीटा, इससे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, FR पैरेललोग्राम ला लगा करके वहाँ से हमको निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे लिए जो मेहनत का काम है वो हम लोग करने वाले हैं इसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा डील करेंगे। अब मैं इस डायग्राम को रफ करता हूँ क्योंकि अब आपको चीज़ें आई होप कि क्लियर हो गई होंगी, तो हम लोग चीज़ों को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये डायग्राम नहीं देता, 3D है एग्जाम में जो डायग्राम देता है सिर्फ ये डायग्राम देता है, ठीक है, ये डायग्राम आपको अक्सर एग्जाम में मिलेगा, तो आप एकदम परेशान नहीं होना है, मैं समझाने के लिए ऐसा किया था, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, सपोज दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि इन प्लेन एसेंट्रिसिटी है, बताइए टॉर्सन आएगा कि बेंडिंग मोमेंट आएगा, सियर स्ट्रेस आ जाएंगे, तो सियर तो सब में आना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन प्लेन की जब बात करेगा तो आपको ध्यान देना है क्या आना है, टॉर्शन आना है, उसके अलावा जब आउट ऑफ प्लेन होगा तो आप देखोगे क्या आएगा, दैट इज आउट ऑफ प्लेन में आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको फोकस करना है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर आप फोकस करोगे तो मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो सेक्शन था वो एज्यूम सेक्शन है आपका, दिस इज द एज्यूम सेक्शन जो मुझे कंसीडर करना है अब,
ठीक है, दिस इज द सेक्शन, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वेल्ड कर दिया, इसको मैं अब लाइन एरिया मान रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन एरिया का मतलब है कि बहुत थिकनेस कम है। ओके, तो इस तरीके से आपका सेक्शन हो जाएगा। इसको मैं जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, पहले मैंने जो माना था उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। दिस इज द एल वन है, दिस इज द एल वन, दिस द एल टू, दिस इज द एल थ्री। एल थ्री और एल वन यहाँ पे सेम है, तो मैं इसको एल मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? दिस इज द एल। ठीक है, ये है एक्सिस, दिस इज द एक्सिस एक्स एक्स। और एल टू को भी मैं जो है यहाँ पे कुछ मानूंगा ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए। एल टू, दिस इज द एल टू इजकल टू, मैंने मान लिया यहाँ पे दिस द बी। क्या मान लिया? बी। और जो वेल्ड है, वेल्ड का जो सी जी पास होगा वो कुछ यहाँ से पास होगा। ये सब पता होना चाहिए आपको, सी जी कहाँ से पास होगा। देखिए, अगर मैं इधर भी एक लाइन ले लेता ऐसे करके, तो यही चीज़ सेंटर से पास हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड क्या है? सिमेट्री है। आप देखोगे कि एक्स एक्स के अबाउट क्या है? सिमेट्री है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको यहाँ से पास कराया। लेकिन वाई एक्सेस के अबाउट इधर सिमेट्री नहीं है, जहाँ वहाँ ज़्यादा लाई करता है सी जी आपका उधर ही की तरफ जाता है। तो आप देख पाओगे दस सी दस सी जी ऑफ वेल्ड ग्रुप। ठीक है, जितना बेसिक हो सकता मैं आपको बताऊंगा, आपको बस समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो आपके पास हो गया बी। अब फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस आपके पास है, दिस इज द टी ई थिकनेस है, इसकी भी टी ई थिकनेस है, और इसकी भी थिकनेस क्या है? टी है। पहले फ्रेंड्स हमको निकालना चाहिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अभी हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा दिक्कत करें आपको, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द एक्स बार। एक्स बार क्यों माना? क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसलिए एक्स बार कंसिडर किया। अब फ्रेंड्स हमको चाहिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस। एक बात और मैं लिखना चाहता हूँ, हियर हियर वेल्ड एरिया, एज्यूम एज वेल्ड एरिया, एज्यूम एट लाइन एरिया, एज्यूम एज लाइन एरिया, लाइन एरिया, सो सो टी स्क्वायर एंड टी क्यूब टर्म्स आर निगलेक्टेड, टर्म्स आर निगलेक्टेड। क्या कर देंगे भैया? निगलेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे कहीं पर टी स्क्वायर टर्म आ गया तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, टी क्यूब आ गया जीरो कर दूंगा, क्योंकि टी जो है बहुत कम वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू अदर वैल्यू। अब फ्रेंड सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स बार, तो मैं क्या करूंगा? दिस इज द एक्स बार। एक्स बार के लिए आप देखिए, एक ये एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। अब मुझे चाहिए एक्स बार। सिंपल फार्मूला आप क्या पढ़ते थे, मैं उसी को लिख देता हूँ। ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू, जितना बेसिक हो सकता मैं सिखाऊंगा, एक्स थ्री डिवाइड बाई टोटल एरिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। टोटल अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री करके निकालते हो। अब फ्रेंड्स सबसे पहले मान लेता हूँ कि दिस इज द ए वन, दिस द वन नंबर, उसके बाद में मैं इसको टू नंबर दे देता हूँ और इसको नंबर थ्री दे देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले मैं एरिया अगर लिखूँ ए वन, ए वन आप बताइए क्या लिखूँ मैं? दिस इज द एल इन टू टी ई, और इसको ए थ्री के बराबर भी लिख सकता हूँ एल इन टू टी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ए वन और ए थ्री क्या है? बराबर है, क्योंकि उसकी लेंथ बराबर है। जो डिफर करेगा वो ए टू करेगा, दिस इज द बी इन टू टी ई कर दूंगा। अब बात करते हैं एक्स वन की। एक्स वन जो सेंट्रॉयड आएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज द एक्स वन। एक्स वन जो डिस्टेंस आएगी आप देख सकते हो इसका आधा, एक्स वन कितना आएगा? ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस कंसीडर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि इसका जो सी जी लाई करेगा सेक्शन का, ये आपका वाई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो आपको निकालना है किस पे? एक्स पे निकालना है। तो आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है ये एक तरीके का एक रेक्टेंगुलर थिनर पार्ट है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? आधे पे लाई करता है। तो मैं लिखूंगा एक्स वन बराबर, दिस इज द एक्स थ्री, एक्स वन बराबर एक्स थ्री इज इक्वल टू एल बाई टू। ओके, फिर मैं बात करता हूँ, दैट इज नेक्स्ट आता है, दैट इज मेरे लिए आएगा जहाँ पे एक्स टू आएगा। अगर मैं एक्स टू की बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक्स टू मेरा सेक्शन क्या है? ये सेक्शन है। ओके, अब आपको डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? डिस्टेंस आपको लेनी है यहाँ से, बीच में हालो सेक्शन है, कोई भी एरिया नहीं है। तो आप इसकी डिस्टेंस देखोगे, इसकी थिकनेस सेंट्रोइडल जो आएगी वो टी बाई टू आएगी। तो एक्स टू की वैल्यू क्या है? दैट इज टी बाई टू है। क्या है? टी बाई टू।
अब देखो इसके सीजी से इसकी डिस्टेंस कितनी लाई करेगा, सिर्फ इसका मास है जो कि है टी बाई टू आएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है टी है, तो मैंने इसको ले लिया टी बाई टू। हाँ यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्ट होता तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आती, यहाँ पे एक सॉलिड लाइन थी जिसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज द एल बाई टू लिया था, इसका भी एल बाई टू लिया था, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस थी एक्स एक्सिस पे इतनी थी, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे देखोगे सिर्फ थिकनेस है कितनी है, वो भी टी ई के बराबर है। ओके तो इसलिए हमने क्या किया उसका आधा ले लिया, एकदम क्लियर। अब फ्रेंड्स एक्स बार में हम पुट अप करेंगे, एक्स बार इजकल टू फ्रेंड्स अगर हम देखें एक्स बार इजकल टू पुट अप करेंगे ए वन और ए थ्री बराबर है, तो आप लिख सकते हो ए वन की जगह पे एल इंटू टी ई, ओके एल इंटू टी ई, इसको मैं टू टाइम कर दूं क्योंकि ए थ्री भी बराबर है फ्रेंड्स, तो मैं इसको टू टाइम लिखूंगा इंटू इंटू सेंट्रॉइड हमारे लिए कितना आया था, दिस इज द एल बाई टू, एल बाई टू लिख दिया मैंने, प्लस ए टू का वैल्यू कितना आया था बी इंटू टी ई इंटू टी ई बाई टू डिवाइड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया आएगा टू टाइम एल इंटू टी ई, एल इंटू टी ई प्लस बी इंटू टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी ई इंटू टी ई दो बार आया, मतलब टी स्क्वायर हो गया, तो इस टर्म को हमको क्या कर देना है निगलेक्ट कर देना, दैट इज जीरो, तो होल टर्म ये जो होगा जीरो हो जाएगा, जो बचा होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। कुछ पैरामीटर आपको समझना नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना कि जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा चीज़ों को, और अभी जितना समझा रहा हूँ टी स्क्वायर का निगलेक्ट करना क्योंकि मैंने पहले बता रखा है। क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है कि सपोज दैट इसकी 500 आई, इसकी हो सकता है 20-30 आए, इसलिए निगलेक्ट कर दिया। ओके अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक्स बार निकल जाएगा तो आपको क्या है, जब भी एक्स बार पता चल जाएगा तो आप ये डिस्टेंस जरूर पता कर सकते हो, जब एक्स बार पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे एल माइनस एक्स कर दोगे, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी पता चल जाएगी। जब ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी तो ये डिस्टेंस अक्सर एग्जाम में दे देता है, तो आपको एसेंट्रिकसिटी भी पता चल जाएगी, तो एसेंट्रिकसिटी आप आराम से निकाल पाओगे, प्लस ये जब डिस्टेंस पता चल गई एल माइनस एक्स बार और ये डिस्टेंस आपको पता रहती है, तो आप पाइथागोरस लगा करके इस वाले ट्रायंगल में आप रेडियल डिस्टेंस भी क्या कर पाओगे निकाल लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारा काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, आई एक्स एक्स हम लिखेंगे, आई वाई वाई, बहुत अच्छे से समझना है, फोकस करना है यहाँ पे, जब तक आप फोकस नहीं करोगे चीज़ें मिस हो जाएंगी। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, मुझे इस एक्सेस के अबाउट निकालना है जो कि ये एक्सेस है, कौन सी है एक्स एक्सेस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए बोर्ड पे कौन कौन सी बॉडी इस एक्सेस से दूर है, कौन कौन उससे पास कर रहा है, ये एक्सेस जो है ये क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ से पास कर जा रहा है, मतलब ये जो टू टू सेक्शन है वहाँ से तो पास कर जा रहा है, तो आप बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12 आप लगाते थे, तो बी इसका क्या है थिकनेस है, तो मैं लिखूंगा टी ई इंटू जो भी लेंथ इसकी बी है, तो मैं इसको बी क्यूब लिख दूंगा डिवाइड बाई 12, ये हो गया एक रेक्टेंगल, क्योंकि ये भैया रेक्टेंगल जैसा है, कुछ ऐसा थिकनेस मान लो कि बहुत कम थिकनेस का एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखते थे आप बताइए, बी डी क्यूब बाई 12, क्योंकि आप आई एक्स एक्सेस के अबाउट ले रहे हो, वाई वाई के अबाउट नहीं अगर लेते तो डी बी क्यूब बाई 12 आप लेते, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसके अबाउट ले रहे हो, इस एक्सेस के अबाउट आप ले रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट आप ले रहे हो, तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है, तो आप देखो कि बी इसके लिए थिकनेस टी आएगी, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, तो टी मैंने लिख दिया, बी इसलिए लिया क्योंकि यहां से लगा करके ये डिस्टेंस क्या है बी है, तो टी बी क्यूब बाई 12 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें टी ई इंटू बी क्यूब बाई 12 आएगा, प्लस अब आगे चलते हैं, प्लस ये सेक्शन है और ये सेक्शन है, लेकिन ये सेक्शन यहाँ से पास नहीं कर रहा है, अगर यहीं से पास कर जाता तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये सेक्शन इससे पास नहीं कर रहे हैं, तो आपको पैरेलल एक्सेस थ्योरम समांतर अक्षों की एक प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो आप देखोगे कि ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो जब सिमेट्रिकल हैं तो आप टू टाइम कर लीजिए, क्योंकि दोनों को बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो आप देखोगे कि टू टाइम जब आप लिखोगे तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा, ये आपकी जो है दिस इज द बी, और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी टी, तो मैं लिखूंगा दिस इज द एल इंटू टी ई का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए इंटू एच बार का होल स्क्वायर, एरिया अगर देखोगे तो एरिया आएगा इसका एल इंटू टी, तो मैंने क्या कर दिया एल इंटू टी ई,
अच्छा भैया, अब बताइए इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस, क्योंकि भैया पैरेलल एक्सेस थ्योरम जो होती है उसके केस में आपको सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी लेना पड़ता है। तो आप सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखोगे कि इस एक्सेस से यहाँ तक की सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या आएगी, बी है टोटल, बचा कितना, बी बाई टू। तो दिस इज द बी बाई टू, और फ्रेंड्स थिकनेस बहुत कम होती है इसलिए बी बाई टू माइनस हम टी नहीं कर रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि टी बाई बी मतलब लगभग 300-400 होता है, थिकनेस कितना 3 mm 4 mm, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे होना तो चाहिए बी बाई टू माइनस टी होना चाहिए, लेकिन मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बी बाई टू का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे टी को निगलेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख सकता था बी बाई टी, बी बाई टू माइनस टी का होल स्क्वायर। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए और कोई टर्म तो बचा नहीं, दोनों मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिए, ये भी एरिया आ गया। अब फ्रेंड्स आप देखिए कि ये टर्म क्यूब है, और मैंने पहले भी लिख रखा है कि जो टी क्यूब का टर्म होगा उसको निगलेक्ट करना है, मतलब इसका आंसर जीरो, आपको पूरे टर्म को लिखना, पूरे टर्म का आंसर क्या लिखना है, जीरो। बस एरिया जो बचेगा इसको आपको कंसिडर करना है, क्योंकि इसका एरिया सपोज दैट 1000 है और इसका एरिया आपको बहुत कम मिलेगा, तो बहुत कम मिलने के चक्कर में इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं कहाँ, आई वाई वाई। बस फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चंस में क्या है, बस थोड़ा सा यही मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको ये सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। एफ वन निकालना बहुत आसान, एफ टू निकालने में सिर्फ सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ कर रहे हैं हम लोग, आई पी पे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आपको निकालना आता होगा, ये तो सब सोम की कहानी है, अगर आपको सोम आता है तो फिर ये कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आई वाई पे चलते हैं। अब वाई आई वाई वाई ये एक्सेस है आपकी फ्रेंड्स, आई वाई वाई आपकी ये एक्सेस है। अब इस एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो फ्रेंड्स बताइए कि कौन कौन सी बॉडीज़ के अबाउट रोटेट होंगी, एक तो ये वाली बॉडी ऐसे रोटेट हो जाएगी, एक तो ये वाली बॉडी ऐसे रोटेट हो जाएगी इसके अबाउट, और एक बॉडी ये है जो कि इसके अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। मतलब तीन मेंबर को हमको यहाँ पे कंसिड्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको इसको लेते हैं एक साथ, तो क्या करेंगे, टू टाइम दिस इज द टू टाइम, अगर हम बात करें इसकी टू टाइम की अगर हम बात करें तो ये एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये आ जाएगा। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो लेना है किसके अबाउट, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसकी थिकनेस कितनी है, टी, तो मैंने इसको क्या किया, टी कंसिडर कर लिया, टी भैया लिख दिया, ओके। अब उसके बाद में आपको देखिए, अब ऐसे बॉडी रोटेट हो रही है तो आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अभी बी डी क्यूब बाई 12 लिख रहे थे, अब डी बी क्यूब बाई क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, तो यहाँ पे टी आ जाएगा इसका, दिस द विथ, और जो थिकनेस जो लेंथ है इसकी, डी क्यूब जिसको करने जा रहे हो, दिस द एल क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आई वाई वाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सही है। प्लस आगे हम बात करें एरिया, देखिए क्या हो रहा है कि इसका जो सी जी है यहाँ लाई कर रहा है और इस सेक्शन का सी जी यहाँ लाई करेगा, तो आपस में क्या है ना कि वहाँ से पास नहीं कर पा रहा है। जब कोई किसी भी बॉडी का सी जी इससे पास नहीं करता है तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड एच बार। भाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने पढ़ा होगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो वहाँ पे क्या पढ़ते थे, यही तो पढ़ते थे, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सेक्शन पे निकालना होता था तो बी डी क्यूब बाई 12 या कुछ भी हो सकता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई सी एम लिखते थे, आई सी एम प्लस ए इंटू एच बार का होल स्क्वायर करते थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम कब लगेगी, पैरेलल एक्सेस तभी लगती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे होते हैं, अगर वो बॉडी उसकी एक्सेस से पास कर जाती है तो ये डिस्टेंस एच बार जीरो हो जाती है, लेकिन जब पास नहीं करती तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम आपको लगानी पड़ती है। तो हमारे केस में देखो, हमारी बॉडी जो है, ये वाली जो बॉडी थी, जो ये वाली बॉडी थी, ये पास नहीं कर पा रहे थे, इसका सीजी यहाँ लाई कर रहा है और पूरे होल सेक्शन का सीजी यहाँ लाई कर रहा है, तो आपस में थोड़ा दूरियाँ हैं इनके बीच में, अगर ये यहीं से पास कर जाता तो एच बार की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, जो कि हम कंसिडर नहीं करते। तो ये हो जाएगा, फिर एरिया आएगा टी ई, टी ई इंटू एल, टी ई इंटू क्या आ जाएगा, एल। एच बार की अगर मैं बात करूँ तो एच बार क्या आएगा, देखिए होल बॉडी का जो सेंट्रॉयड है वो आया एक्स बार, और पूरी बॉडी देखिए, ये जो पूरी बॉडी है इसका सी जी कहाँ लाई करे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे एच बार चाहिए तो मैं एच बार लिखता हूँ यहाँ पे, ये पूरी बॉडी है टोटल, टोटल का आधा कितना होगा, एल बाई टू, तो मैं मान लिया कि मेरी जो वैल्यू है वो एल बाई टू यहाँ तक है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, एल बाई टू। अगर मुझे एल बाई टू पता चल गया तो आप देखोगे कि L बाई टू के बाद में अगर मैं x बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे h बार पता चल जाएगा, तो मैं ये क्या करूंगा, दिस द L बाई टू माइनस h बार का
होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस। अब तो इसके बारे में हमने डील कर लिया, अब बचा ये सेक्शन, इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। तो फ्रेंड्स इसकी जो विथ है बी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप इसके अबाउट निकालोगे तो आएगा बी इंटू टी क्यूब बी इंटू टी ई क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस बी इंटू टी, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी यहाँ पे इसका यहाँ से तो ये पास नहीं कर रहा है, इसके अबाउट ये थोड़ा इससे दूर है, अगर यहीं से पास करता तो इसके एच बार डिस्टेंस जीरो होती। अब आपको इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे, एरिया तो आपने लिख दिया, आपको चाहिए एच बार। एच बार कैसे लिखोगे, दिस इज द एक्स बार, एक्स बार माइनस टी बाई टू लिखना चाहिए था लेकिन बहुत थिकनेस कम रहती है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज द एक्स बार का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करोगे आपको जब मिल जाएगा तो आप आई पी निकाल लोगे, जो कि इसको आई जेड भी बोलते हैं, जो कि आप निकालोगे क्या आएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आपको देखिए मैंने ये भी बता दिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जिनको मैं ऐड करने के बाद एक क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन करने के बाद आपकी क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डायरेक्शन, आपको कॉस थीटा चाहिए ना, मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में अगर मैं जाऊँ कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस थीटा कितना आएगा ओ सी, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है ओ ए, ओ ए, ठीक है, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। फिर आपको चाहिए दिस वैल्यू, दिस द वैल्यू इज़ ओ ए, ओ ए इज़ नथिंग बट अंडर रूट, अंडर रूट क्या निकालोगे ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस दिस इज द ए सी स्क्वायर। बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ए सी आपको पता हो जाएगा क्योंकि इस सेक्शन की लेंथ के बारे में बता देता है, उसका आधा कर दोगे तो ए सी पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस तभी पता चलेगा जब आप एक्स बार के बारे में पता कर पाओगे, और एक्स बार आपको यहीं से पता हो पाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको दो फोर्स दो स्ट्रेसेस मिल गए, अब ये स्ट्रेसेस एक ही पॉइंट पे काम करते हैं, एक ही प्लेन पे काम करते हैं, इसलिए इसका जो है हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट ऑफ दिस स्ट्रेसेस। अब देखिए दोनों जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस ही हैं, और दोनों क्या हैं सीयर स्ट्रेसेस हैं, इसलिए आप रिजल्टेंट निकाल पाओगे। मान लिया एक स्ट्रेस होती एक फोर्स होती तब भी आप रिजल्टेंट नहीं निकाल पाते हो। पैरेललोग्राम जो लॉ वैलिड होता है वो तभी होता है जब कोई दो फोर्स सेम, मतलब उनका जो नेचर है वो सेम होना, जो नेचर का मतलब ये है कि एक जो है आपका अगर टेंशन है तो दूसरा भी टेंशन है, कंप्रेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टेंशन है और एक सीयर है, तब नहीं कर सकते। इसके लिए पैरेललोग्राम तभी वैलिड है क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, मैं एक पॉइंट ए लिखता हूँ, दिस इज द पॉइंट ए। इस पर आप देखोगे कि जो है एक नॉर्मल स्ट्रेस आती है, मान लिया सिग्मा एन, दिस इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट एफ आर आ जाएगा आपका, ओके तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो F1 और F2 हैं ये सारी वैल्यूज जो हैं आपकी, ये स्ट्रेसेस हैं जो कि सीयर स्ट्रेसेस हैं और जिनका नेचर क्या होता है सेम होता है, इसी वजह से हम पैरेललोग्राम ला लगा पाते हैं। और रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हम बात करें, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज द एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इन टू कॉस थीटा, ओके। और दिस एफ आर इज लेस देन आर इक्वल टू दिस एफ सी एफ एस वैल्यू, इससे कम होना चाहिए। और एफ एस को मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको इससे करना है एफ यू अपान रूट थ्री 1.25, अगर आपको इसको लगाना है किस मेथड से, अगर आपको एल एस एम से करना है, दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दिस इज द एल एस एम मेथड, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, ओके। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करते हैं। एफ वन बहुत आसानी से निकलेगा, एफ टू पे थोड़ा मेहनत करनी है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें, हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट के बारे में हम डील कर रहे थे, दिस इज द पॉइंट ए, थीटा एंगल था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन था उसके हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द, ये नॉर्मल हो जाता है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन में। तो आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे सेम प्लेन से अगर कोई, देखिए यहाँ पे प्लेन सबका एक ही है, दिस पॉइंट है, इस पे सारे जो प्लेन काम कर रहा है, इसका प्लेन एक ही बिंदु से पास कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम हम लगा सकते हैं अन्यथा नहीं लगा सकते, इसलिए इसका रिजल्टेंट हम लोग ज्ञात करते हैं। खास बात एक और बताएं,
टॉर्सनल फार्मूला आपका वैलिड होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो आपका सर्कुलर नहीं है, हम लोग क्या करते हैं इसको मान रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा टॉर्सनल फार्मूला इज़ नॉट वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर, लेकिन ये क्या था रेक्टेंगुलर था लेकिन हमने इसको मान लिया हालो सर्कुलर, तभी जाकर ये वैलिड होगा, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आईईएस में पूछा है। जब आप देखो क्वेश्चन करोगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को देख सकते हो सारा, बस जो मेहनत है हमारी ना अभी देखोगे कि सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ा मेहनत अगर हम कर ले जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ा सा मेहनत करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी टर्म आपके क्यूब के आया था, सॉरी यहाँ पे मैं एक बात नहीं बताया, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये टर्म था ये जीरो कर देना, सॉरी यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ इस साइड में, दिस इज द होल थिंग, इसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, दिस इज द जीरो बिकॉज टी क्यूब आया, जहाँ जहाँ ये टर्म आएगा आप उसको निगलेक्ट कर पाओगे। ओके, अब हम फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करेंगे जो कि ईएस में पूछा गया है, फिर हम लोग आप प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इसी का है, इसी से रिलेट करा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकलता है, तो बड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगता है लेकिन भैया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं एक एक चीज़ करके वर्ल्ड का पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तब भी इसको फॉलो कर सकते हैं, आप जेई स्टूडेंट हैं तब भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिए है लेक्चर, ठीक है। बेसिक से बताएं फ्रेंड्स, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैंने जितना हो सकता अपनी तरफ से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। अब आप इसको जितना जहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो वीडियो थोड़ा सा रोक के आप उसको समझिए। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप सोम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए कि सर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा है तो आप जा करके थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर मेहनत करिए कि आई सेक्शन के ये सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले जाते हैं। जब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो फिर आप चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया। अगर आपको स्टील सीखना है तो आपको बहुत जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग आगे के बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में थोड़ा सा डील करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, या कह सकते हैं क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे और फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। जो कि आईईएस में क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ आईईएस 1998 में पूछा गया, और जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इससे आसान पूछा गया। आसान क्या पूछा गया वो भी मैं बताऊंगा। उसने चारों साइड वेल्ड कर दिया, जब चारों साइड वेल्ड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसानी से निकलता है। अ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन, अ वेल्डेड ब्रैकेट ब्रैकेट कनेक्शन, अ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन, सॉरी अ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्ट्स, कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, कनेक्ट है, कनेक्ट्स अ प्लेट टू द कॉलम फ्लेंज शोन इन द फिगर, Determine the size of weld. Determine the size of Determine the size of weld. If the allowable stress in the weld. If the allowable stress in the weld is 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अलाउबल बोला है, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्किंग से लगाना है। किससे लगाना है? वर्किंग से लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसने लोड डायग्राम देखिए, अगर ये बोलता अल्टीमेट की है तो लोड आपको ध्यान देना कि अगर लोड अल्टीमेट नहीं दिया है तो उसको अल्टीमेट बनाना पड़ता है। ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स।
अब हम लोग क्वेश्चन का डायग्राम देते हुए कुछ अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम उसने एग्जाम में आपको दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। लो भाई वेल्डिंग कर दिया, इस तरीके से उसने क्या किया, वेल्डिंग कर दिया। और तीन साइड में उसने क्या किया, वेल्ड को कर रखा है तीन साइड में। किस साइड में, तीन साइड में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तीन साइड में वेल्ड अगर कर रखा है तो आप देखोगे कि इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से जैसे हमने बनाया था, आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द ज्वाइनिंग पार्ट, ओके, दिस द वेल्ड। लोड जो दिया गया है फ्रेंड्स वो इस तरीके से आपका लोड पी है, जो कि 100 किलो न्यूटन के आसपास आपका दिया गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो डायमेंशन है उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो भी डायमेंशन दी गई हैं उनको थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कि जो भी डायमेंशन है जिनके बारे में मेंशन करता हूँ। ये डायमेंशन 150 है, कितना है, 150 mm है, ठीक है। उसके बाद ये जो डायमेंशन है ये भी कितना है, 150 mm उसने बता दिया। देखो ये सब बता देते एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें नहीं छिपाते हैं लोग, ठीक है। 250 है, ये भैया 250 बता दिया है, लो मैंने क्या लिख दिया, 250 भी दे दिया, ठीक, इधर साइड में। और फर्दर नीचे का डायमेंशन तो सेम ही होगा, 150 ही होगा, तो ये 150 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका जो सीजी है वो कहाँ लाई करेगा, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द सीजी, दिस इज द सीजी, दिस इज द सीजी, दिस इज द सीजी, ओके। अब आप देखोगे दिस इज द वाई वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये डिसाइड करना जरूरी है। एक्स बार मैंने यहाँ से माना, एक्स बार आप इधर से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्स इधर से ही मान रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपकी जो एसेंट्रिकसिटी होगी वो दिस इज द डिस्टेंस, ई इज ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एसेंट्रिकसिटी। आप क्या करोगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 300 में से अगर एक्स बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एसेंट्रिकसिटी मिल जाएगा, मतलब एसेंट्रिकसिटी 300 माइनस एक्स बार हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा, ओके। अब हम लोग सबसे बड़ी बात है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं लाइन एरिया में, ओके। सबसे पहले ट्रीटेड एज वेल्ड कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन, ट्रीटेड एज, ट्रीटेड एज लाइन एरिया, इफेक्टिव लाइन एरिया। क्या करोगे भैया, लो इसको हमने मान लिया, लो मान लिया, लो मान लिया, तो हमने ये मान लिया भैया, लो इसको मान लिया, ठीक। अब आपकी मर्जी जो दिया है उसको हम लिखते हैं, 250 मैंने लिख दिया, लो 250 हमने लिख दिया, तो 250 भी डायमेंशन डिनोट कर दिया। ये 150 है तो मैंने 150 लिख दिया, ठीक है, 150। इसकी थ्रोट थिकनेस अभी हम मान रहे हैं क्योंकि वेल्ड साइज पूछा है, बाद में हम डिवाइड कर लेंगे, पहले थ्रोट थिकनेस मान के काम कर रहे हैं, टी, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, टी टी, और इसको भी टी मान लिया। ये है इसका सी जी और दिस इज द सी जी, दिस इज द एक्स बार, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप चाहो तो एग्जाम में ना मानो, इसको भी मान के कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। सपोज दैट दिस इज द वन, दिस इज द टू, दिस इज द थ्री, मैं बात करूंगा, दिस इज द ए वन, दिस इज द ए वन इजकल टू ए थ्री, एरिया क्या आएगा भाई, बोलो 150 इंटू टी आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, एरिया क्या होता है, बिल्ड एरिया, लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस होता है, तो मैंने थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई किया। अगर मैं बात करूँ दिस इज द एक्स वन बार इजकल टू एक्स थ्री बार, जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है 150 का आधा कितना होगा, 150 डिवाइड, रेक्टेंगल है ना भैया, तो रेक्टेंगल का आधा कितना होता है, 75 आ जाएगा mm। क्यों भैया, ये रेक्टेंगल ही तो है एक तरीके का, ये एक ऐसे रेक्टेंगल है बस, जिसकी थोड़ा सा मैं थिकनेस कम बता रहा हूँ, बस ये एक तरीके का रेक्टेंगल है। इसका सेंट्रोइड अगर बात करोगे, सपोज दैट दिस इज द 150 है, 150 है तो उसका आधा कितना होगा, दिस इज द आधा, तो आप देखोगे इसका आधा कितना होगा, 75। फिर ए टू की मैं बात करूँ, ए टू क्या आएगा, बोलो 250 इंटू टी आएगा। सेंट्रोइड की अगर मैं बात करूँ, एक्स टू, एक्स टू कितना आएगा, बोलो एक्स टू आएगा, दैट इज़ यहाँ से अगर सेंट्रोइडल डिस्टेंस लोगे, बीच में कोई एरिया नहीं है, इसका आधा कितना होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस लेना होता है ना, क्योंकि आपने जो एक्सेस मानी वाई वाई वो ये एक्सेस है और एक्स एक्सेस आपकी ये वाली एक्सेस है, तो आपको डिस्टेंस कहाँ से लेना है, इस सी जी से कितना सेंट्रोइडल डिस्टेंस है। बीच में डिस्टेंस देखिए हालो सेक्शन है तो कोई भी मास आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मास कितना है, टी, टी का आधा कितना होगा, टी बाई टू, दिस इज द टी ई बाई टू। तो सबसे पहले एक्स बार निकालते हैं, एक्स बार क्या होगा फ्रेंड्स, दैट इज़
फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ए वन इंटू, सॉरी लिख देता हूँ चलो आपको समझने के लिए, ए टू इंटू एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई टोटल एरिया, दैट इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ऐसे ही तो निकालते हैं सेंट्रॉइड। ए वन की वैल्यू आपके सामने है, ए वन ए थ्री, तो मैं टू टाइम करूँगा। देखिए ये जो डेटा है ये आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे क्या है 150 50 है, नीचे भी क्या है 150 है। देखिए अगर आपको ये सब क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं इस प्रॉब्लम में। तो देखिए टू टाइम मैंने कर दिया, फिर 150 इंटू मैंने टी किया, फिर सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ये तो हो गया एरिया, एरिया के बाद में सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए जो कि आपके पास 75, तो मैंने क्या किया 75 फुट किया, प्लस उसके बाद ए टू कितना है 250 है, 250 इंटू टी किया, उसके बाद सेंट्रोइडल डिस्टेंस टी बाई टू डिवाइड बाई टोटल एरिया, टू टाइम 150 इंटू टी प्लस 250 इंटू टी। फ्रेंड्स ये टर्म निगलेक्ट करूंगा क्योंकि टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा तो मैं जीरो मानूंगा, क्या मानूंगा जीरो। तो आपको सॉल्व करने पे एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पे लगभग 40.91 mm के आसपास आती है। ओके अब एक्स बार मिल गया तो आप एसेंट्रिसिटी तो निकाल ही सकते हो, तो ई आ जाएगा 300 में से अगर आप सेपरेट करो 40.91 तो लगभग आएगा 259.10, लगभग 0.09 के आसपास आ जाएगा, ठीक है 259। अब फ्रेंड्स ये पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा, रेडियल डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ पे डालिए पॉइंट स्ट्रेस, दिस इज द एफ वन और दिस इज द एफ टू, परपेंडिकुलर हमेशा रहता है, तो एफ वन एफ टू के बीच में हमको एफ वन पता करना है एफ टू पता करना है। अब ये एंगल पता चल चुका है, 150 में से अगर मैं 40.00 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये डिस्टेंस आप पता कर सकते हो कितना है, 150 में से अगर मैं एक्स बार को यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली बची हुई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग आएगा 109.09, ये अप्रॉक्सीमेट आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब रेडियल डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास 150 250 है, उसका आधा करोगे तो 125 आएगा, 125 यहाँ पे लिख दिया, ये थीटा एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, 109 का होल स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर दैट इज आर ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज आर ए इजकल टू अंडर रूट, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 109.09 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद में अगर देखोगे जैसे 125 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से जो आर ए निकल के आता है फ्रेंड्स वो निकल के आता है 165.91 mm के आसपास आता है। आप भी अपना कैलकुलेटर चलाते रहें। अब फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाली बात अब हो गई, अब मेरे लिए है पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें कर लेंगे। ओके सबसे पहले आई एक्स एक्स फार्मूला रटना नहीं है, बस यहीं से चलना है, ठीक है, रटने की कोशिश मत करना क्योंकि फिर से मैं एक बार बता दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एक्स एक्स आपको निकालना है तो आप ये पहले देखा करो कि एक्सेस आपकी है कहाँ, आपकी एक्सेस ये हो जाएगी। थोड़ा सा मैं डायग्राम को यहाँ पे समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये चीज़ें बाद में आप लिख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें डायग्राम में अच्छे से समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। अब अगर देखोगे तो ये जो पॉइंट है एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द सीजी ऑफ वोल्ट ग्रुप, ठीक है। अब मुझे चाहिए आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें है वो ये है कि आपके पास आई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा, इस वाले सेक्शन का इसके अबाउट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये वाले क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ओके तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं लेता हूँ इन वाले का, तो टू टाइम पहले कर लीजिए क्योंकि दो लोग हैं, टू टाइम कर दिया। अब आप ये बताइए कि इनका बी कितना है, क्योंकि मुझे इसके अबाउट चाहिए ना, तो इसका बी कितना है, बी है 150, तो मैंने लिख दिया 150, क्योंकि बी डी क्यूब बाई 12 लगा रहे हैं ना फ्रेंड, तो इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 150 इंटू टी, क्या करोगे 150 इंटू टी, थोड़ा मैं मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ फ्रेंड्स अब हम फिर से आ गए अपने टॉपिक पे, 150 इंटू टी। अच्छा भैया ये तो हो गया एरिया, क्योंकि देखिए क्या है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो ये था, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ, आई एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए, वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो आप देखोगे दिस इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस 125 का होल स्क्वायर, ओके प्लस
ये तो मैंने कर दिया स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा दिया, प्लस देखिए ये टर्म निगलेक्ट करने जा रहा हूँ, जीरो, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, छोड़ो उसको, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको बचा ये क्रॉस सेक्शन, वो तो वहीं से पास कर जा रहा है। देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है फ्रेंड्स, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, वो देखोगे कि इसी के सीजी से पास कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीधे इसका बी डी क्यूब बाई 12 लगाना, इसमें कोई पैरेलल एक्सेस नहीं लगेगी। तो बी इसका है टी ई इंटू 250 का, देखिए बी उसके लिए क्या हो जाएगा, टी ई हो जाएगा। देखिए ये जो है, ये सेक्शन जो है इसका टी ई, सपोज दैट दिस इज द टी ई और दिस इज द, मान लेते हैं 250। तो जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप देखोगे बी डी क्यूब बाई 12, तो टी इंटू 250 कट क्यूब डिवाइड बाई 12, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो वो निगलेक्ट हो गया। और एक चीज़ क्या होता है, कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन ध्यान देना, ये 2 बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको भूल नहीं जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यह आता है लगभग आपका फ्रेंड्स 5.983 इंटू 10^6 mm4, ये आपका हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम चलते हैं आई वाई वाई पे, डायग्राम देखो, अपना काम इसमें निकालते हैं। अब है ये हमारे पास वाई वाई एक्सेस, ये क्या है, वाई वाई एक्सेस है। अब ये बताइए वाई वाई एक्सेस के लिए दो सेक्शन मिल गए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तीसरा कौन होगा, ये होगा। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर इसको लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए 2 टाइम पहले करो, जो नीचे वाले हैं और ऊपर वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्रॉस सेक्शन को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो उसके लिए विथ ये हो जाएगी और डेप्थ इसकी 150 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टी ई इंटू 150 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया टी ई इंटू 150 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। आप देखोगे कि देखिए अब इसका जो सी जी है पूरे ग्रुप का, अगर आप देखोगे इनका जो सी जी होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, लेकिन आपको चाहिए तो यहाँ पे, तो आपको एच बार डिस्टेंस भी चाहिए ना। तो एच बार कैसे निकलेगा, देखो भैया दैट इज 150 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 150 का आधा कितना होगा 75, माइनस एक्स बार आपका कितना आया था, एक्स बार आपका आया था दैट इज 40.9। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40.9 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका दिस, प्लस अभी कुछ छूट गया है, कौन छूट गया है, ये इंसान छूट गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए। तो आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू आएगा उसके लिए जो विथ होगी 250 होगी, कितनी होगी 250, तो इसकी विथ हो जाएगी 250 इंटू टी ई का क्यूब डिवाइड बाई 12 करोगे प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगेगी, क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने यहाँ पूछा है, अगर यहीं पे पूछते तब तो ठीक था 250 इंटू टी ई क्यूब बाई 12, यहाँ पूछा है तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए दिस इज द एक्स बार। तो आप क्या लिखोगे 250 इंटू टी ई, ठीक है, इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या लिखोगे फ्रेंड्स, दिस इज द एक्स बार का होल स्क्वायर। हालांकि मुझे लिखना चाहिए एक्स बार माइनस टी बाई 2, लेकिन नहीं, क्योंकि टी बाई 2 बहुत ही छोटा होता है, निगलेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे दिस इज द एक्स बार, दिस इज द 40.91 का होल स्क्वायर। अब आपका आई वाई जो आंसर आएगा वो मैं लिखता हूँ, दिस इज द 1.3, दिस इज द 1.3, इसको निगलेक्ट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जीरो लिखता हूँ क्योंकि टी का क्या है क्यूब है, 1.3294 इंटू, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, टी भूल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप टी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, टी चल रहा है, टी चल रहा है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा इंटू इंटू टी ई 10^6 mm4। अब फ्रेंड्स आई जेड जेड चाहिए, या इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी बोलते हो, तो क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इसको जोड़ोगे तो फ्रेंड्स दोनों का जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा लगभग 7.3191 इंटू टी ई 10^6 mm4। अब फ्रेंड्स हमारे पास सब कुछ तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, F2 चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं F2 निकालूंगा, F1 बाद में निकालूंगा, या आपकी मर्जी, आप बोलो, मैं पहले F1 कैलकुलेट कर देता हूँ। F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपान वेल्ड एरिया, वेल्ड एरिया फोर्स कितना था भाई, 100 किलो न्यूटन था, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, लो भाई कन्वर्ट कर दिया, इनटू एरिया अगर आप देखोगे कितना आएगा 200 2 × 150 इनटू टी ई, टोटल एरिया वेल्ड का आप देख सकते हो, प्लस 250 इनटू टी, इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स
तो आंसर निकल के आता है 181.82 डिवाइड बाई दिस इज द टी ई न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकल के आता है। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि एफ वन निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। एफ वन क्या चाहिए? डायरेक्ट फोर्स चाहिए डिवाइड बाई वेल्ड एरिया चाहिए। वेल्ड एरिया आपने लाइन एरिया माना था, तो 150 दो बार है, तो मैंने दो बार ले लिया, इंटू टी कर दिया, एरिया पता चल गया। ये 250 है, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया पता चल गया। ये तो बहुत आसान है। एफ टू अब हमें लिखना है। एफ टू क्या लिखोगे? एफ टू लिखोगे टॉर्क अपॉन आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू रेडियल डिस्टेंस आर ए। तो टॉर्क को क्या लिखोगे? टॉर्क को लिख सकते हो पी इंटू ई डिवाइड बाई आई पी इंटू आर ए। अब फ्रेंड्स आपको लिखना क्या है? टॉर्क आपको पता चल गया पी इंटू ई, पी की वैल्यू कितनी है? 100 किलो न्यूटन, तो मैंने 100 लिखा, इसको पहले कन्वर्ट किया न्यूटन में। फिर एसेंट्रिकसिटी आपके सामने है 261.09, तो मैंने 261.09 उसके बाद में आपको पुट किया क्या? रेडियल डिस्टेंस आर ए, आर ए आया था 165.91 मैंने पुटअप किया, डिवाइड बाई मैंने क्या पुटअप किया? आई पी। आई पी क्या होता है? आई पी इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यहाँ मेहनत करके निकाल चुके हो, 7.3191 इंटू टी ई इंटू 10^6। इसको सबको मेहनत करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 587.30 डिवाइड बाई टी ई न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये निकल के आपका आ जाता है, कितना आता है? 587.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको एफ वन मिल गया, एफ टू मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, सारा आंसर निकल गया आपका। क्या देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रफ करता हूँ चीज़ों को, आपके पास चीज़ें हैं, मैं यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए टफ नहीं है ये, क्या होता है कि पहली बार मैं भी जब कर रहा था तो मुझे भी टफ लगा था, लेकिन जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसको क्या होता है ना कि आप कॉपी कर ले जाते हो, थोड़ा इसको समझो, इस पर गहन अध्ययन करो, मन लगाओ कि कहाँ पे मुझे मोमेंट। देखिए सबसे मेहनत इसमें काम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है फ्रेंड्स। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता होगा तो फिर आप प्रॉब्लम को कर ले जाओगे, अगर नहीं आता जा करके सो में थोड़ा रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को, एकदम सीख जाओगे। क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेहनत किस पे कर रहे हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, बाकी कुछ है ही नहीं। टॉर्सन सोम में पढ़ते हो, पी इन टू ये तो सब जानते ही हो, आई पी आर ए तो जानते हो, पाइथागोरस लगाना कोई टफ काम है? कुछ भी नहीं टफ काम है। अब हम लोग, हमको मिल गया, अब हम चाहेंगे रिजल्टेंट निकाल लें। एफ आर इजिकल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, जब ये सब तो निकाला है तो यहीं पे कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। आधार आपके पास पता है, आधार कितना है? दिस आधार, आधार है कितना भैया? यहाँ 109 निकाले थे, तो लो 109 हमने लिख दिया, 0.09। और कर्ण कितना निकाल के रखे हो? आर ए, आर ए आपने निकाल के रखा 165.91। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है उसको मैं आपको बताता हूँ कि कॉस थीटा आपका आंसर कितना आया था, ठीक है, वेट करना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेट किया था। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा की जो वैल्यू है कुछ भी आती है 0.6, दैट इज 0.6575। अब फ्रेंड्स इसको लगाओ रूट, ओके। अब फ्रेंड्स एफ वन की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ, एफ वन की वैल्यू है आपके पास 181.8 डिवाइड बाई टी ई का होल स्क्वायर प्लस 587.30 डिवाइड बाई टी ई का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम 181.82 डिवाइड बाई टी ई इंटू, यहाँ पे मैं रफ कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इंटू 587.3 डिवाइड बाई टी। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? दिस इज द 0.6575, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख पाओगे दिस इज द, ये रूट मैंने लगा दिया सबके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड टी क्या है, बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि देखो क्या है, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो बाहर जब आएगा तो ये 1/TE निकल के आएगा, और बाकी सब सॉल्व करने पे मैं बता देता हूँ कितना निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट। ये आता है 720 के आसपास आता है,
ठीक है, तो ये आंसर आता है लगभग 720 अपान टी। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, टू टाइम समथिंग करते जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, अब ये आया एफ आर। फॉर डिजाइनिंग पर्पज एफ आर इज लेस देन आर इजकल टू परमिसेबल स्ट्रेसेस। एफ आर आपके पास कितना है? एफ आर आपके पास 720 दशमलव टी आया, और एफ एस आपके पास 110 मेगा पास्कल है। जब आपके पास 110 मेगा पास्कल है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, आपको मिल जाएगा वैल्यू दैट इज़ थ्रोट थिकनेस। और जब आपको थ्रोट थिकनेस मिल जाएगी तो फिर बहुत आसानी से आप क्या निकाल ले जाओगे, साइज ऑफ वेल्ड आपको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं टी ई बताता हूँ, दिस इज द टी। टी निकल के आपका आता है दैट इज़, ये अप्रॉक्सीमेट आता है 6.54 या ऐसे इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है। दिस इज द टी वैल्यू। टी वैल्यू अगर आप देखोगे 6.5 6.545 mm, और आपने टी क्या पढ़ रखा था, टी इजकल टू के टाइम एस, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्ड किया गया है सब 90 डिग्री पे किया गया है। जब 90 डिग्री पे किया जाएगा तो एक और फार्मूला लगा दीजिए, के टाइम एस 6.545, के की वैल्यू 0.7 रख दीजिए, इंटू एस कर दीजिए 6.545। तो एस की वैल्यू क्या निकल के आती है, एस की वैल्यू निकल के आती है दिस द 9.35 mm निकल के आ जाती है। चाहो तो प्रोवाइड करना हो तो आप 10 mm प्रोवाइड कर दीजिए, तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोवाइड, आपकी मर्जी प्रोवाइड 10 mm। और एक खास बात ये, मान लिया कभी एग्ज़ाम में फंस वस जाओ, एग्ज़ाम में निकाल लो कुछ ना कुछ निकाल चुके हो, मान लिया आंसर आपका लगभग 7-8 mm के आसपास ही आएगा एग्ज़ाम में, ज़्यादातर कभी भी 20 mm नहीं बनता वेल्डिंग है। जो भी आंसर आना है, मान लिया कभी एग्ज़ाम में फंस गए और टाइम कम है, आंसर निकालो यहीं पे कहीं ना कहीं करके, लास्ट में 7-8 mm छाप के चले आओ, नंबर मिल जाता है। ठीक है, कई बार होता है अगर सपोज दैट कि आपने ये स्टेप्स कर रखे हैं और आपके पास टाइम कम बचता है तो स्टेप लिख के ख़त्म करिए, कैलकुलेशन ना करते लास्ट में सीधा दिखा दीजिए 8-9 mm आ गया, आंसर मान लिया जाता है, तो आपके एक दो नंबर कटेंगे ज़्यादा ज़्यादा, बाकी तो मिल जाएंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर कभी भी इसका 20 नहीं आएगा। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया होगा तो उसका आंसर हमेशा आपका जो रेंज होनी चाहिए आंसर की, करेक्ट आंसर की, वो 7 से 8 mm के आसपास, 9 mm के आसपास ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो अभी हमें वेल्ड का, अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन डील किया। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको अगले लेक्चर में इंप्रूव करेंगे और आपको बताएंगे अच्छे से। इसके बाद अभी हमारा आउट ऑफ प्लेन पे हम करेंगे, जो कि मेंस में क्वेश्चन इस बार SSC JEE में मेंस में आउट ऑफ प्लेन पे क्वेश्चन आया, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन था। और आप देखोगे कि ये तो जो अभी तक SSC JEE में क्वेश्चन आया ये इससे आसान आया था। क्या आया था मैं बता देता हूँ कि उसने क्या किया था, वेल्ड को चारों साइड कर दिया था। चारों साइड जब करोगे ना, पता है, तो CG यहीं से पास हो जाएगा, सेंटर से जब पास हो जाएगा, जब सेंटर से पास हो जाएगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, बहुत आसान हो जाता है। उसको भी पता है कि यार एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है SSC JEE में, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम भी रखता है। और जब आउट ऑफ प्लेन के हम लोग प्रॉब्लम करेंगे वो इससे भी आसान होने वाली है, वहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है। तो परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, धैर्य रखना है, चीज़ें सीख जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं KS यूज हो गया, कहीं कुछ यूज हो गया, इस तरीके से चीज़ें चलती रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, पढ़ना है, अगर वो सीख जाओगे तो फिर सब कुछ सीख जाओगे स्टील में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।